हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनोमय रेसिपीज़। आपको लग रहा होगा ना कि मैं आज ऐसे कैसे कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ, तो नहीं फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे गणेश जी और गौरी जी के दर्शन करा देती। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है ना। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सजावट कैसे लगी। हम हर साल गणपति और गणेश जी का त्यौहार ऐसे ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं मराठी हूँ। यस, बाय बर्थ मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ, बट आफ्टर मैरिज मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ। तो मैं दोनों मराठी और नॉर्थ इंडियन दोनों कल्चर्स को मैं बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करती हूँ, हो ना फ्रेंड्स। आपल्या इकडे महाराष्ट्रामध्ये गौरी गणपतीला किती जास्त महत्त्व आहे हे तर सर्वांनाच माहिती आहे। त्यामुळे मी खूप वेगवेगळे प्रकारचे मिठाईया सगळं असं हे बघा खूप छान असं सजवलं आहे। तुम्हीही नक्की बघा हे आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला ह्याच्यामधली कुठली रेसिपी मी शेअर करू तुमच्यासोबत, मी नक्की शेअर करेल। जसं मी तुम्हाला पहिलेही सांगितलं होतं फ्रेंड्स की तुम्हाला जर माझी रेसिपीज मराठीमध्ये बघायला आवडतील तर मी मराठीमध्ये सुद्धा त्यांना शेअर करेल, कारण मी सध्या तर माझ्या रेसिपीज ज्या आहेत ते हिंदीमध्ये शूट करते, पण तुम्हाला जर हवं असेल तर मी मराठीमध्येही तुमच्यासाठी त्या अवेलेबल करून देईल। तर नक्की मला कमेंट करून कळवा। तर चला आज आमच्या किचनमध्ये काय बनणार आहे, तर आज आपण बनवणार आहोत ओरिओ फ्लेवरचे मोदक। तर चलिए फ्रेंड्स, मनोमय रेसिपीजमध्ये मैं आपके साथ शेअर करने वाली हूँ ओरिओ मोदक। जैसे कि आप जानते हैं कि मनोमय रेसिपीजमध्ये मैं आपके लिए बहुत ही इजी सी रेसिपीज लेके आती हूँ जो झटपट से बन जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ, लेकिन उससे पहले थोड़ी आरती कर लेते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। तो चलिए लीजिए गणेश जी का नाम और शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक देखने के लिए कि ओरियो फ्लेवर की मोदक, जो कि बहुत ही इंस्टेंट है और बहुत ही झटपट से बन जाते हैं, कैसे बनते हैं। तो ओरियो फ्लेवर की मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दो पैकेट ओरियो बिस्किट ले रही हूँ। ये नॉर्मल ओरियो बिस्किट है जिन्हें हम यूज़ करेंगे। ये रेसिपी जो है ना फ्रेंड्स, ये बिना गैस जलाए है, हमें ना गैस कोई गैस का यूज़ नहीं करना है इसमें, हम लोग ऐसे ही इंस्टेंटली इसे बना लेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं ये ओरियो बिस्किट है उसके अंदर की क्रीम जो है वो हटा दूँगी, हमें इसमें क्रीम नहीं यूज़ करनी है। एंड बिस्किट है उसे हम लोग ऐसे पीसेस कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। तो सारे बिस्किट्स जो है उनकी क्रीम हम हटा देंगे और फिर उसे हम लोग पाउडर बना लेंगे। तो ओरियो बिस्किट में से क्रीम मैंने हटा दी है और ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। अब जो है हम लोग इसे मिक्सी में से थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे, एक पाउडर बना लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही पाउडर बना सकते हैं बेलन वगैरह से पीट के, मतलब उसको वैसे, अगर मिक्सी यूज़ नहीं करना चाह रहे हो। तो मैं इसको फटाफट से पाउडर बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए ओरियो बिस्किट का पाउडर मैंने बना लिया है। अब हमें इसे इसका एक डो बना लेना है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा दूध लूँगी और इसे अच्छे से गूँथूँगी। आपको जितना दूध चाहिए उतना आप ले सकते हैं इसमें गूँथने के लिए। हमें मतलब एक जैसे हम लोग रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसे एक आटा लगा लेना है इसका, थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है हमें इसे, अच्छे तरह से हमें इसे गूँथ लेना है। बच्चों को तो ये मोदक बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि ये ओरियो बिस्किट से बने हुए हैं और बनाने में भी बहुत इजी है, बहुत झटपट बन जाते हैं। यहाँ देखिए डो मैंने लगा लिया है, हमें इसे ऐसा ही कंसिस्टेंसी वाला रखना है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना ना ही इसे ज़्यादा गाढ़ा करना है हमें। अब हम चलते हैं अंदर की फिलिंग बनाने के लिए। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के मिल्क मेड, मतलब कंडेंस मिल्क, ताकि ये बाइंडिंग हो जाए और इसमें एक स्वीटनेस भी आ जाए। इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से।
अच्छा है तो इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिलिंग भी बनके रेडी है और हमारा आउटर कवर भी बनके रेडी है। अब हम चलते हैं मोदक बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं मोल्ड ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। तो मोल्ड में सबसे पहले जो है मैं ये थोड़ा सा ओरियो बिस्किट का डो लगा दूँगी। और उसके बाद हमें ये फिलिंग भर देनी है दोनों तरफ से ओरियो बिस्किट लगाने के बाद। आपके पास जो साइज़ का मोल्ड अवेलेबल है आप उस हिसाब से मोदक बना सकते हैं। हमारे घर पे गणपति जो आते हैं वो 5 डेज़ के लिए आते हैं फ्रेंड्स। और ये 5 डेज़ इतना ज़्यादा मज़ा आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तरह तरह के डिशेस बनाते हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर पे गणपति फेस्टिवल आप लोग कैसे मनाते हैं, क्या क्या आप भोग लगाते हैं, क्या क्या रेसिपीज़ बनती है। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट का डो लगा दिया है। अब ये थोड़ी सी फिलिंग लेके हम लोग इसमें स्टफ़ कर देंगे ऐसे। और उसके बाद हमें इसे बंद कर देंगे। देखिए गणेश जी के मोदक इतने ट्विस्ट के साथ रेडी है। ऐसे ही सारे मोदक जो है मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ओरियो मोदक जो है वो बन चुके हैं एंड गणेश जी को मैंने भोग दिखा दिया है। हो बन ले। ये आरिश है, इसको तो मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाय बोलो बेटा सबको। हेलो। ये ओरियो बिस्किट के मोदक तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसे ना खिला के पूछती हूँ कि कैसे बने हैं, कैसे बने हैं? अच्छे लगे? चलो ये ख़त्म कर दो तुम जाओ। देखिए सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये, क्योंकि ये तो ओरियो बिस्किट के मोदक है और बहुत झटपट बन जाते हैं। जैसे आपने देखा ना, कोई गैस जलाना, ना कोई तामझाम, कुछ नहीं। आप 5 से 10 मिनट में झटपटे से बनाइए और आपकी फैमिली को खिला के इंजॉय कीजिए। देखिए मेरा बच्चा कैसे खुश हो गया, आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिए। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी नई सी रेसिपीज़ देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ कल। बाय।